सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर टॉप बनाना बताएंगे फॉर 8 to 9 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने चेक्स फैब्रिक लिया है, वो है 1 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई भी हमें 8 इंचेस लेना है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। और इसे हम कट कर लेंगे। ऊपर फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह टॉप के 2 पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट की नेक की लंबाई और चौड़ाई लेंगे। नेक की लंबाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और यहाँ से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे नेक की लंबाई हमने ली है 2 इंचेस और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक हम कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट है, इसकी नेक भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब बैक पार्ट के नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। नेक सेंटर मार्क के नीचे 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे कट कर लिया है। इसके ऊपर हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे जिसकी चौड़ाई है 4 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 7 इंचेस। इस कट की लाइन को हम मेज़रमेंट कर लेंगे 4.5 इंचेस। यहाँ पे हम 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे 5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस स्ट्रिप को हमने कट कर लिया है। अब स्ट्रिप के चारों तरफ हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और इस स्ट्रिप को राइट साइड से यहाँ पे अटैच करेंगे। ऊपर की तरफ हल्का सा फैब्रिक को इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे 4 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 1 इंचेस। सभी स्ट्रिप को हमने क्रॉस में काटी है। इस स्ट्रिप को हमें आर्म होल में राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सभी स्ट्रिप को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो हमने चारों आर्म होल में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह रखेंगे और बैक पार्ट से लेके यहाँ तक हमें
पाइपिंग बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचिस। बैक पार्ट से हमें यहाँ पे यहाँ से अटैच करना है और यहाँ पे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेनी है और बैक पार्ट में भी हमें राउंड में अटैच करना है। तो इस तरह हमने राउंड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। शोल्डर से ऊपर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है दोनों तरफ। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके पाइपिंग बनानी है। तो नेक पे इस तरह हमने पाइपिंग बना ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हम इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। इसे फिटिंग कर लिया है। अब हमें इसे राइट साइड टर्न करना है। स्टोव के नीचे हमें फ्रिल अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई हमने लिया है 2.5 मीटर, जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंचिस। नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करेंगे। और इस तरह एक धागे को खींच के गैदरिंग बनाएंगे। स्ट्रिप की पूरी लंबाई में हमें इस तरह की गैदरिंग बनानी है। तो हमने इस तरह रफल रेडी कर लिया है। अब इस रफल को हमें टॉप पार्ट के नीचे अटैच करना है। इस रफल को राइट साइड से इस तरह उल्टा रख के राउंड में हमें इसे सिलाई लगा के अटैच करना है। तो इस तरह मैंने इस रफल को अटैच कर लिया है। ये टॉप का फ्रंट पार्ट है और ये टॉप का बैक पार्ट। यहाँ पे हमें आई हुक या बटन अटैच करना होगा। तो इस तरह हमने यह टॉप रेडी कर लिया है फॉर 8 to 9 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।